कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ना, मेरे भाई की तिलक की रस्में तो हो गई। तो अब तिलक बाद होती है शगुन चुमाई की रस्में, जो लड़का हो या लड़की सभी के यहाँ और सभी के घर में होता है शगुन चुमाई। जो आपने देखा ना, तब तिलक में जो धान हम लोग चुमा रहे थे उसी धान से शगुन भी चुमाता है। तो फाइनली वो आज दिन आ गया है जो धान से शगुन चुमाई होता है, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब उस दिन अलग सी फीलिंग होती है, और उस दिन लड़का लड़की का दोनों का शगुन चुमाई होता है। जिस दिन दिन शुभ निकलता है उसी दिन शगुन चुमाई भी होती है। तो शाम का टाइम है और मेरे भाई की शगुन चुमाई की रस्म सबसे होने की स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं मम्मी ने भाई को बुला लिया है। उसे बाबा घर में ही रहता है, मतलब जो देवता ग्रह होता है उसमें रहता है। तो मम्मी ने बुला लिया, चौका में बिठा दिया है भैया को। और यहाँ पे भाभी ने स्टार्ट किया चुमाउन करना। भाभी बहुत सारी मस्ती भी कर रही थी। भैया को चींटी काटना होता ना बिहार में, तो ऐसी होती चींटी काटना। तो भाई वही भाभी चींटी काट रही थी और भैया हंस भी रहा था। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुई थी रस्में, और बहुत मज़ा भी आया था। अगर आपने तिलक की वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा तिलक की वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है बिहार में एक तिलक की रस्में कैसी होती है। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर साथ में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रस्में धान से होती, देखिए मेरे भाई ने धान का मतलब अंजुरी में जो बहुत से लोग होते हैं जो चावल के से होता है, लेकिन हमारे यहाँ धान से होता है, धान और हल्दी से शगुन चुमाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से जो रखा हुआ है देखिए। और ये है मेरी मम्मी और ये है मेरा घर, मायके घर, जो कि बहुत ही पुराना घर है। शायद 1965 का घर ये बना हुआ है, मेरे बाबा ने बनाया था, तो बहुत ही पुराना है। तो अब कभी आप लोग साथ में ज़रूर शेयर करूँगी मायके घर में जाऊँगी तो। और ये है मेरी फुआ, जो सब लोग मतलब एक एक करके सब लोग चूम रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग गाना का भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि गाँव में तो बहुत गाली मतलब आज के दिन ऐसे गाली होते हैं, जो गाली का गाना गाया जाता है, बहुत मज़ा भी आता है। और यही सब तो होता है ना शादी ब्याह में, जो बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। और हम चारों बहनों मिलके बहुत ज़्यादा मस्ती को, समझिए एक भाई है, बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय किए थे शादी। और देखिए कुछ इस तरह से, और देखिए आप लोग देखा ना, ये जो चंदन में और ये हल्दी सब रखा वही धान की, उस दिन जो तिलक में चढ़ा था ना वही धान है। और उसी धान से ही लड़का को भी चुमाया जाता है, उसी धान से लड़की को भी चुमाया जाता है। तो फिर ये धान मिक्स होकर हो जाता था तिलक के दिन में, तो उसी धान से भाभी को भी चुमाया गया और मेरे भाई को भी चुमाया गया है। तो आप देखती रहिए वीडियो को, इन्जॉय करती रहिए और मतलब गाना सुनती रहिए। गाना सुन सुन हंसी आने वाली, पता नहीं आप लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फनी गाना है, बहुत हंसीगा। जो बिहारी के लोग होंगे वो तो गाना सुन के समझ भी गए होंगे कि कौन सा गाना गाया जा रहा है, कौन सा गाली दिया जा रहा है। तो यही मेरी फुआ जो चुमान कर रही है भैया को। और यहाँ पे आई मेरी दीदी, जो मेरी बड़ी दीदी है, बहुत सीधी है मेरी बड़ी दीदी, बहुत सीधी है। और देखिए मेरी दीदी भी चुमाउन कर रही है, और भाई से बड़ी मेरी बड़ी दीदी है, और फिर मेरा भाई है, फिर उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरी छोटी सिस्टर है, फिर मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। हम सब चार भाई, मतलब चार सिस्टर और एक भाई है, लकी है जो चार बहनों के बाद से एक भाई हमें मिला, बहुत लकी है, हम अपने आप को मानते भी हैं इस मामले में। और मेरी छोटी सिस्टर है जो मेरे से छोटी है, मैं ना कैमरा से मतलब कैसे कर रही थी वीडियो, तो इसकी वजह से देखिए मेरी छोटी सिस्टर है। और लोग मैं आ गई, जिसका था इंतजार आप लोगों को काफ़ी टाइम से, तो वेट कर रहे थे ना कि रानी कहाँ पे, रानी कहाँ पे। तो लो आ गई आपकी रानी, लेकिन पता नहीं फेस नहीं दिखा, क्योंकि हमारे यहाँ थे ना माथे पे आंचल से दुपट्टा रखना ही रखना होता है, कुछ भी शुभ काम करने से पहले हमारे सर पे माथा पे दुपट्टा होना ही चाहिए। तो बस वही हम माथे पे दुपट्टा रखे हुए थे, इस वजह से फेस नहीं दिखा होगा। अब मम्मी आ गई है यहाँ पे, अब 5 बार पानी से भैया को आई थी कि पहले तो ये धान का लेगी, फिर इकट्ठा, फिर एक एक करके धान चुनती है, कि एक भी धान गिरना नहीं चाहिए नीचे और ना ही किसी के पैर से लगना चाहिए। देखिए धान मम्मी पहले चुनेगी, उसके बाद फिर भैया जाएगा बाबा घर में। देखिए मम्मी ने पानी से भैया को मतलब बोलते ना 5 बार कर लिया, और फिर मम्मी देखिए धान चुन के थाली में रख देगी। और फिर देखिए मम्मी भैया जाएगा बाबा घर में, बाबा घर में जाने के बाद से जो होती है ना रस्में, मत पूछिए, खूब बड़े बड़े काजल लगाए जाते हैं, खूब आँख में भर भर के, और जितने हो सके माथे में हर औरतें तेल लगाती है। और वो सीन जो देखने वाला होता है ना, मत पूछिए, इतनी हंसी देखी। लड़कियों का भी वैसे ही होता है, लड़के का भी वैसे ही होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है, पूरे बदन में तेल लगता है, पूरे बदन में और माथे